is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. तेरे जाने की जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, मैं दुआ मांगूं तेरे लौट आने की, मैं दुआ मांगूं तेरे लौट आने की। रब की आदत है मुझको आजमाने की, रब की आदत है मुझको आजमाने की, सुन ले मेरी भी जिद है तुझको पाने की। मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। आपको पता है जब मैं एक दिन सुबह उठा इनके गाने के रिलीज के 2 दिन के बाद शाहरुख खान ने ट्वीट किया हुआ है कि व्हाट ए सोलफुल वॉइस अल्तमाश फरीदी शताब फरीदी। शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया, ओह सॉरी पोस्ट डाला इंस्टा फीड। मैं कहा तो आप मेरे साथ थे। कुछ कहना चाहेंगे आज एटीट्यूड सॉन्ग रिलीज हो रहा है यार। देखो जब डायरेक्शन दिनेश सोई जी करते ना एटीट्यूड आ ही जाता है, समझे। और गाना गाया अल्तमाश भाई ने, बहुत बेहतरीन गाना है। आप वीडियो का देखेंगे तो आपको क्वालिटी दिखेगी, हाँ एक प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो है, खर्चा हुआ है, एक अच्छी चीज़ बनाई गई है। और ऐसी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस को भी यही चाहिए होता है आजकल। आप अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से बनाएंगे वो अच्छी ही बनेगी। भाई मुझे सुना देते हैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही। हम अंदर वाले लोग हैं। बोल दिया सही बोला नहीं। ये गाना देखा हुआ, ये गाना नहीं सुना हुआ है, देखा नहीं भाई। देखा मैंने इसके उस पर जो टीजर भेजा था। हाँ मैडम का किस तरीके से आवाज़ लगाते हो? आपका पहला ही डेब्यू है इसमें पंजाबी सॉन्ग। देखो अच्छी सिंगर है, अच्छा गाया है एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। और मैडम का कोई एटीट्यूड दिखाए यार, लड़कियों में एटीट्यूड ना ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा। सर आप क्या कुछ कहना चाहिए? सर दीपक सर जो एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो आपको ऐसा खुला हाथ देते हैं कि आप करिए, बस काम करिए, खुल के काम करिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसमें आप अपनी कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो आप दिखाइए, वो सबसे मज़ेदार चीज़। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। मनीष जी ने 3 फिल्में की हैं हमारे साथ, अभी 3 कर चुका हूँ। और इसका क्या राज है वो बताइए भैया। लेडीज़ों का नाम हमेशा जोर से ही लेना पड़ता है। हाँ घर भी जाना, आप जो का नाम धीरे से लो वही ठीक है। हम लगे घर तो चाय भी तो पीनी है ना, घर में भी तो लेडीजें जोर से अपना नाम लेती है। अभिषेक अरे धीरे से लो भाई, जग की रीत है। घर आएंगे ये जो गाना एटीट्यूड है जो अल्तमाश ने गाया है और सोनिया जी ने गाया है, मतलब ये सबसे बड़ा सरप्राइज था कि सोनिया जी, आप रुको एक मिनट, सोनिया सोही जी ने जो एक गाना गाया सबसे सरप्राइज की चीज़ ये थी, उन्होंने इतना बढ़िया गा दिया हम सब के लिए। एक्चुअली ये एकदम बॉम्ब था, शॉकिंग बॉम्ब। एंड अच्छा गाया, ये और ज़्यादा शॉकिंग था। तो हमें लगता ठीक है कि यार क्या ही गा देंगे, लेकिन अच्छा गा दिया। एंड दिनेश भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी डायरेक्शन में, अच्छा काम किया है हमेशा, एंड वी आर हैप्पी। जो ये 1.5 महीने से मेरे को दाढ़ी बढ़वा रहे हैं अगले गाने के लिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब शूट करें, किच होती है। अनाउंसमेंट मुझे तो आप लोग मिलते ही रहते हैं, मेरी भतीजी, मेरी नीस श्रेया अवस्थी, शी इज अमेजिंग सिंगर। बहुत जल्दी इसका भी गाना भाई लॉन्च करने वाले हैं। अरे हमारी साइनिंग हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, बस अभी ना वो जो गाना है ना वो किसी एक पर्टिकुलर मौसम में हो सकता है, वो मौसम की वेट है। तो ऐसा तो उनके गाने में आप एक्शन हो, क्या बात ये लड़के को सही करो भाई। इसी बात तो शायद 2 लाइनें तो हो जाए कुछ भी, ठीक है। जिंदा तुझे हो देखने को निकला करता है, आईना भी हो दीदार को तरसा करता है, इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, उसने दोनों जहाँ का एक तुझ में सिमट के आया तू मिले। मैं वरुण के अवार्ड्स गिनाना शुरू करूँगा तो मैं बता नहीं पाऊँगा। वरुण को अभी नेशनल अवार्ड मिला है और इसकी एक वेब सीरीज़ के लिए, फिल्म के लिए तुलसीदास जूनियर के लिए। बाकी अभी मैं बात करूँगा इस लॉन्च पार्टी इसके लिए मैं आया हूँ। एटीट्यूड जो सॉन्ग का नाम है, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। मैं अभी यहाँ पे मैंने सुना, मैम का डेब्यू है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सर ने तो बहुत सारे प्रोड्यूस किए, पहली बार मैम भी इस बार आ चुके हैं। अभी प्रोड्यूसर नहीं, आप डायरेक्टर थे अभी सर भी, तो बहुत ही अच्छा लगा। गाना बहुत अच्छी कैची है, एकदम वाइब मिलता है। मैं वहाँ पे डांस कर रहा था सर, उनको देख रहा था, मैं स्टेप्स देख रहा था ना, वो ग्रूविंग ऑल अराउंड, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डांस स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, एंड जो एक्टर है वो भी बहुत अच्छा है भैया, सुपर अचिंत्य, लव यू सुपर। आपको मैं वरुण के बारे में बता दूँ, वरुण ने बहुत सारी फिल्में की हैं, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में की हैं, लाइक RRR और अजय देवगन। सबसे पहले मैं दिनेश सर को और हमारे जो अल्तमश सर हैं उनको, और बाकी हमारे जो अचिंत्य जी, मानसी जी और सोनिया मैम, इन सब को तहे दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक टीम है इनके पीछे। और दिनेश सर को मैं जानती हूँ काफ़ी वक्त हो गया, बहुत ही प्यारे इंसान है वो, बहुत ही लाइवली एनर्जेटिक है। और सर आ गए हमारे साथ, और सर आ गए, ये बहुत ही प्यारे इंसान है। और उसके बाद मैम, आज हमने मैम का गाना सुना है, उनकी आवाज़ में दम है। मतलब मैं पंजाबी हूँ, मैं बोल सकती हूँ भाई, वो पंजाबी तो नहीं, पंजाबी हो भाई रब्बा, सर तो हो गई पंजाबी। हाँ जी। तो सर वो जो दम, जो रॉब होता है ना, हम पंजाबी हूँ, वो मुझे सुनने को मिला, और क्या दमदार। मैम अमेजिंग, आई थिंक यहाँ पे डेब्यू है, एंड ये कमाल का है। एक पंजाबी से गल कर दी मैं, हाँ जी, मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है क्योंकि वो पंजाबी पैदा होने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। बस एकदम सही। दीपक जी हमारे प्रोड्यूसर, दीपक दिवान, हाँ जी, उनकी पिछली फिल्म आई थी सब मोह माया है, एंड बहादुर, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, एंड बहुत सारी आ रही है, उन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है। मैम आपने पंजाबी अभी गाना सुना, हाँ जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैम की जगह अगर आप होते तो, मैम की जगह में मैं अगर होती और गाना गाती? सर नहीं, सर इनको बर्बाद नहीं करना। नहीं, ये पाप हो जाता हमसे। नहीं सर, हम एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन गाना बस बाथरूम तक ही सीमित है। बस आप ये पूछो कि ये हमारे गाना कब कर रही हैं सर? आप हमें काम पता नहीं, कभी लॉकडाउन था, कभी ये वहाँ पे थी, कहीं तो ठीक था। नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं जिस दिन दिनेश सर के साथ मैं काम करूँगी। सुनती हो जाएगी अभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका आना अनिवार्य है, मतलब हमारा शो कांड भी कैरी ऑन। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, मतलब ये गाना सुन के ना मज़ा आ गया, मज़ा ऐसा आया, मतलब मैं पहली बार अपना सोनी जी को सुन रहा हूँ, मैं सोनिया जी को इतना, मतलब यहाँ के कुछ ऐसा एक्सेंट आता है भी जो पंजाबी गाने गाते हैं, वो ऐसा लगता है साग के साथ मतलब ब्रेड खा रहा हूँ, प्योर पंजाबी। और अल्तमश भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया, कमाल हो गया। और मैं तो आज की डेट में यही कहूँगा जो दिनेश भाई हैं ना, ये बादशाह हैं एल्बम के, मतलब ऐसी एल्बम बनाते हैं, ऐसे कमाल करते हैं कि पूछो मत। ये देखो हमारे हीरो साहब, मतलब स्मार्ट हैंडसम मतलब ऐसा करके, और ये देखो प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल वाइट कपड़े, पहले ही पता चल जाता प्रोड्यूसर है ये कपड़ों से ही, मतलब कमाल। मैंने बोल दिया कमाल कमाल कमाल। अरे गाइस मैं बात करना भूल गया, हम जब गाने की कास्टिंग कर रहे थे तो गाने की लाइन्स थी 5-8 हाइट, रंग मिल्की वाइट, मतलब लंबी लड़की 5-8 या उसी होगी, सोच हेज द गर्ल 5'8+ ही होगी। तो हमने कास्टिंग बहुत सही की, नहीं ही इज आल्सो लाइक टॉल, वेरी गुड बिल्ड, लेकिन कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। बस मैं हाँ जी हाँ, अगर आप ये गाना गाते तो कैसा गाते? मैं गाना गाता, मैं तो मटकर आता ऐसे ऐसे करके, बैठा बैठा मटकर आता, मैंने ऐसा करके, मुझे लेट बुलाया इन्होंने, अगर मेरे को वहाँ बुलाते लो जी आ गया, कमाल कमाल कमाल, मतलब कमाल, ये दोनों कमाल है, मतलब ये ऐसा करके ये भी कमाल है, सारे कमाल है, मैं भी कमाल हूँ, आप भी कमाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत मज़ा आ गया, मतलब ये जो एटीट्यूड जो इनका एल्बम का नाम है, मतलब हीरो हैं, प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं, दिनेश अपना ये अल्तमश और सोनिया जी, और नाम मानसी, कमाल कमाल कमाल, मजा आ गया। आज सीनियर एक्टर ऐसी बातें बोलते हैं तो मजा आया सुन के भी, क्योंकि इन्होंने कहा इनका हमने काम देखा है, और इनको काम को देख के मतलब हमें लगता है अरे वाह, जो हम पंजाब में थी ना जोरदार। बाकी ये मीडिया वाले तो मैं एक ही बात बोलूँगा जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ये एल्बम देख के, ये गाना सुन के वेल लगा मुझे, बड़ा अच्छा इज़्दा हसीना अगर मिस्सी रोटियां, मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा, कैरी ऑन। क्या बात, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अभी नहीं आने वाला है, मेरे को अभी अंतर की बात कुछ चल रही है, मैं अभी थोड़ा, उन्होंने मेरे को बोला रिवील नहीं करना इस चीज़ को, क्योंकि वो सीरियल ऐसा था जो आप फैमिली में बैठ के आराम से देख सकते हैं, अच्छी कॉमेडी थी, 10 साल चला था, 10 साल। तो अभी लोगों की डिमांड है अभी दोबारा फिर आए, तो कुछ मैं चाहूँगा भी ऐसा करके आपका ऐसे ही प्यार बना रहे, तो मैं चाहूँगा अगर हमारे प्रोड्यूसर ने कहा भी गाना गवाना हो तो मैं इनका नाम रिकमेंड ज़रूर करूँगा, दोनों का भी कोई ऐसा गाना हो जो रोमांटिक गाना हो, और ये हमारी जो हीरोइन कर चाहता हूँ, मैं कुछ गाना चाहता हूँ पंजाबी में, अरे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं जो भी पंजाबी में बोलूँगा उनको समझ में आएगा नहीं आएगा, उससे अच्छा मैं अपनी आवाज़ से उनको विश करता हूँ। मेरा एक सॉन्ग मैंने किया था सोनी दे नखरे, वाह, और भी काफ़ी गाने किए पंजाबी, बट ये मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बेस्ट गाना है, एटीट्यूड। वो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। उतनी सोनी आवाज इनको, सारे गरे गरे सारे गरे घसा, सारे गरे गरे सारे गरे घसा, सारे घसा दे गा पा दा 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 बाबा गरे घसा, किन्ना सोना रब ने बनाया। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, सभी को, पूरे हिंदुस्तान को लव यू। हाँ लास्ट मैंने दिनेश सर ने मुझे प्यार का नशा कराया था, उसमें जो कभी नहीं उतरता है, सारे नशे उतर जाते हैं लेकिन प्यार और इसका नशा कभी नहीं उतरता। उनका बोलने का मतलब लड़कियों का नशा है क्या? अच्छा नहीं, प्यार का नशा है, मैं बोलता ना प्यार का नशा है वो। थैंक यू। सॉन्ग बहुत अच्छा शूट हुआ है, और दिनेश जी तो ये तो गिनीज बुक वाले आदमी हैं बहुत अच्छा शूट इन्होंने किया, सारे गाने इनके अच्छे होते हैं। अभी हमने 2 गाने किए हैं और आगे हमारे प्लान अच्छे हैं, कुछ 18 सॉन्ग हम लोग साथ में कर रहे हैं नए जो लेवल पे। सर को कितना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं? मैं तो सर यू अनाउंसमेंट है, ठीक है ओके। सो DD सिंह सर का प्रोडक्शन है, और ये तो गाने हम कर रहे हैं डीडी म्यूजिक, डीएस क्रिएशन म्यूजिक एंड डीडी म्यूजिक वर्ल्ड, लेकिन सर का जो बेसिकली ही इज फ्रॉम द मूवी बैकग्राउंड, तो सर एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं विद अचिंत्य जावत, जो कि मार्शल आर्ट्स पे है और उसके लिए अचिंत्य अभी से बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। एंड हम एक गाना भी कर रहे हैं अचिंत्य के साथ में, बहुत ही अच्छे वाला। तो वी डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स, एक गाना मतलब म्यूजिक वीडियो म्यूजिक सिंगल एंड 1 शॉर्ट फिल्म। बहुत ही जल्दी मानसी के साथ में हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं और मानसी के साथ में गाना कर रहे हैं, 2-2 प्रोजेक्ट। सी मुझे शौक तो बचपन से ही है गाने का, तो मेरे मदर्स भी बहुत मुझे उन्होंने इनक्रेज किया हमेशा, तो बट इन्होंने अच्छे से पहचान लिया आफ्टर मैरिज। तो मैंने वर्कशॉप्स करी, मैंने प्रैक्टिस करी, घर पे रियाज किया, कभी दिन वाला रियाज, कभी रात वाला, शाम वाला, यू नो। तो हाँ, लोकेशन शूटिंग की यही लोकेशन थी, यही शूट किया है और हमारा इवेंट भी क्लास हाउस में हो रहा है। ओके सो गाइस, हमने ये गाना द ग्लास हाउस में शूट किया है, इसी जगह पे, और हमने ये गाना यहीं पे रिलीज़ किया। वाह, हमने क्या कर दिया सोचो। और मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा सबको जो जो मेरी टीम में है, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया हमारे साथ। जो पीछे मैं देख पा रहा हूँ इनको, अभिषेक झा, नीति सिंह हमारे कोरियोग्राफर्स, देन लक्की भवानीगढ़। भवानीगढ़ एक छोटा सा शहर है और लक्की, यस, बहुत मेहनत की इन्होंने, उनके डांस रिहर्सल्स किए हैं। वेरी वेरी गुड, कीप इट अप गाइस, घमंड नहीं करना एक पैसे का। ओके आपसे सवाल है, ग्लास हाउस का आपने ये अगला शूट कहां करने वाले, ग्लास के बाहर या ग्लास और लोकेशन देखिए। अब देखो सी, ये अभी इतना बड़ा कि आधा यूज हो गया है ना, हम एसोसिएट हुए 50 साल के लिए, पता नहीं हमारी उम्र 40 साल और है कि नहीं है, हम 50 साल के लिए जुड़ गए हैं। एंड सर के साथ में हम क्या करेंगे, सर डिसाइड करेंगे। सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में की है, सब मोह माया है जो कि अभी जी पर रिलीज़ हुई है एंड अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसका। अब बहादुर ने बताया आपको, तो सर का ये फोटो है लाइक कि अच्छी लोकेशन वो देगी हमें, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। सर आपसे जानना चाहेंगे ग्लास हाउस से कितना कॉर्पोरेट मिला आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी देखो कि यहाँ पे कैमरा सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे हम खड़े हैं जैसे मतलब ये हमारा खुद का ही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग आ भी सकते हैं, लेकिन देखो कितना कॉपरेशन है। सारा शूट एसी में हुआ, इससे ज़्यादा एग्जैक्टली, वेरी कूल, बड़े आराम से, अंदर ये नहीं कि बाहर जाना है धूप वगैरह, कुछ नहीं भैया, आराम से चिल्ड। अल्तुष भाई अच्छा लगा आपको भी यहाँ पे आके? यस, देखो।